ओम साई राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, आज हम यूज़ करेंगे आटे की जो बची हुई पन्नी होती है, मोस्टली हम उसे फेंक देते हैं, तो उसको ना फेंक कर उसका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको आटे की पन्नी लेनी है और उसको दोनों साइड से इक्वल कट कर लेना है, और इसके बाद हम इसको सेंटर पॉइंट से एक बार फिर कट करेंगे ताकि इसकी एक लेयर हमारे पास आ जाए। ऐसे कट करने के बाद हमें इसके इक्वल का फैब्रिक कट करना है। हमें गाइस दो फैब्रिक कट करने हैं, जिससे हम एक फैब्रिक को इसके ऊपर यूज़ कर सके, एक इसके नीचे यूज़ कर सके। बेसिकली हमें दो फैब्रिक के अंदर इस पन्नी को रखना है। तो गाइस, मैंने ये फैब्रिक कट कर लिया है, ये नीचे के लिए एक फैब्रिक कट किया है। ऐसे ही मैंने दूसरा फैब्रिक कट कर लिया है, जिसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है। इसको भी मैंने पन्नी के इक्वल कट कर लिया है। और इसे कट करने के बाद हमें ये दोनों फैब्रिक लेने हैं और इसके कुछ तीन सिरों से स्टिच कर लेना है। इसका एक सिरा हमें छोड़ देना है और एक सिरे के अलावा हमें बाकी के तीनों सिरे इसके सील लेने हैं। तो गाइज, ऐसे हमें इसके तीनों सिरों को स्टिच कर लेना है और एक सिरा इसका ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे हम जो आटे की थैली है उसको हम इसके अंदर डाल सकें, डालकर उसे स्टिच कर सकें। फ्रेंड्स, हम आटे की पन्नी को हमेशा फेंक देते हैं या हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, उसे हम काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। तो गाइस, ये मैंने इसके तीनों सिरे स्टिच कर लिए हैं। इसके बाद मैंने इसमें आटे की पन्नी को डाल दिया है, और इसमें डालने के बाद इसको हमें आटे की पन्नी को फैब्रिक के अंदर दोबारा स्टिच करना है, ताकि जब भी हम इसका यूज़ करें तो आटे की पन्नी हिले ना। तो इसलिए हमें इसको चारों तरफ से स्टिच कर लेना है अच्छे से। तो गाइस, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी लेस पड़ी हो तो हम इस पर लेस लगा सकते हैं, वरना ये पूरा ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना भी लगाएं। मेरे पास ये पिंक कलर की लेस रखी हुई थी, तो मैंने इस पर लगा दी है। लेस लगाने से थोड़ा और लुक आ जाता है, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने इसमें चारों तरफ लेस लगा दी है। तो ये लेस लगने के बाद ये फाइनल लुक रेडी है। गाइज, इसको हम फ्लोर पर भी रख सकते हैं, इसके अलावा हम इसे बेड पर भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम खाना खाते हैं बहुत बार, जो बेडशीट गंदी हो जाती है, तो हम इसे रख कर खाना खा सकते हैं। तो और इसको हम टेबल पर भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए टेबल पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।